हमारी बातें नहीं लिखी है, वो अपनी रिट याचिका में कह रहे हैं कि किसी भी धर्म की रेस्पेक्ट करना हम लोगों का धर्म बनता है, ये मानवता है कि हम हर धर्म के मजहब की हर सम्मान करें। देखिए मेरे क्लाइंट के द्वारा ये गरीब नवाज एसोसिएशन है जिन्होंने ये प्रेयर करी है, प्रेयर का हम ये आपको दिखा देते हैं, ये पार्ट अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इस पर रिकॉर्ड कर लीजिए। इस पर हमने माननीय हाईकोर्ट से ये रिक्वेस्ट करी, प्रेयर करी है कि इनके प्रतिबंधित जो किताब इन्होंने लिखी, विवादित किताब, इसको प्रतिबंध किया जाए। इनके जो सोशल मीडिया पे जो बयान जारी हो रहे हैं भड़काने वाले, इसको प्रतिबंध करा जाए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता, भारत का शांतिपूर्ण नागरिक जो भी होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि अशांति फैले या कोई भी फसाद या विवाद फैले। अगर हम चाहते तो हम प्रोटेस्ट का रास्ता अपना के ये लोग जा सकते थे, लेकिन मैंने एडवाइस किया कि आप कोर्ट का रास्ता अपना लीजिए, प्रोटेस्ट करने से क्या मिलेगा, हासिल होगा? आज तक यूपी में हमारे प्रोटेस्ट नहीं होते, बहुत कम प्रोटेस्ट होते, अगर हुए हैं तो महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने उसे तुरंत संभाल लिया है, ना हमारे यूपी में कोई दंगा होने दिया है। तो ऐसी शांतिप्रिय सरकार हमारी अगर चल रही है, अच्छी चल रही है, तो उसमें एक वसीम रिजवी जैसा इंसान आके यूपी क्या पूरे देश का माहौल बर्बाद कर रहा है। उसके बाद से जब मोहम्मद साहब पे ये टिप्पणी करता है तो पैगंबर मोहम्मद या कुरान का मामला है तो इंटरनेशनल मामला है, क्या ये भारत में पब्लिश होती है? कोई ये नहीं कह सकता कि किताब, ये कुरान पवित्र ग्रंथ भारत में पब्लिश होता है, ये इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश होती है, ये किताबें इंटरनेशनल लेवल 57-58 इस्लामिक कंट्री में ये पढ़ी जाती है, और रसूल के मानने वाले भी, पैगंबर मोहम्मद के मानने वाले भी पूरी दुनिया में 57 कंट्री 58 कंट्री तो आप मान लीजिए कि मान ही जाते हैं। ये क्या मांग कर रही है? हम ये कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड लेवल पे जो इंटरनेशनल लेवल फसाद फैला रहा है तो वो फसाद को तुरंत रोक दिया जाए, सोशल मीडिया से इनके ट्वीट डिलीट करा दिए जाएं, जो अभद्र टिप्पणी इन्होंने मीडिया के जरिए की है उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए कि अब भविष्य में ये ना करें, और इनकी किताब को प्रतिबंधित कर दिया जाए, क्योंकि ये मैसेज जो है पूरे भारत में क्या हो रहा है ये बाहर अगर जाता है तो हमें भी बुरा लगता है, हम भारत का हिस्सा है, हम नहीं चाहते कि पूरी दुनिया में देश में हमारे भारत के नाम पर कोई कुछ बात करे। ये हमारी एकता है कि हम यहाँ पर देखें, चौहान साहब हमारे एडवोकेट बैठे हैं और वो वर्मा जी बैठे हैं, हम सहर नकवी हैं और ये अंसारी साहब हैं, क्या ये आपको एकता नहीं दिख रहा? एकता का प्रतीक आप यहीं इसी मंच से ले सकते हैं, ये एकता, ये संस्कृति, ये अखंडता हमारी तोड़ने की अगर कोई बात करेगा तो हम उनके खिलाफ बिल्कुल खड़े होंगे। अगर ये खड़े हुए हैं तो ये भी एक अच्छी पहल है कि ये खड़े हुए हैं इस बात पे। भाजपा के नेता भी तो कई कमेंट करते हैं आपकी कम्युनिटी पर, उस पर कुछ नहीं करते हैं आप? भाजपा नेताओं पे आप देखिए कार्रवाई हुई है, अगर ये दोबारा वसीम रिजवी की बात ले लीजिए, अगर शिया व बोर्ड के चेयरमैन बन जाते तब आप कहते कि भाजपा ने किया, इनको सपोर्ट कर दिया, चेयरमैन बनने दिया क्या भारतीय जनता पार्टी ने? इनको हटा दिया कुर्सी से, नीचे उतार दिया, इस पर तो भारतीय जनता पार्टी की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। मुझे ये भी यकीन है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में जो कमेंट कर रहे हैं उस पर जाएंगे? हाँ बताइए, जो कमेंट्स हो रहे हैं जानते हैं आप, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, जो कमेंट कर रहे हैं कम्युनिटी के ऊपर उस पर कुछ करेंगे? जनसभाओं में जो कमेंट्स होते हैं या फिर बयान जो दे रहे हैं वो कितने सही हैं? देखिए ये राजनीतिक मुद्दा है, ये चुनाव जब आता है, आप लोग भी देखते हैं हर चुनाव में कि जब चुनाव आता है तो ये उल्टे सीधे कमेंट करने वाले एक आध नेता पैदा हो जाते हैं, ये हर चुनाव में पैदा होते हैं, बड़ा नेता बनने की होड़ में किसको पीछे किया जाए, हो सकता है योगी आदित्यनाथ जी को पीछे करने की। हमारी पिटीशन ये है कि वसीम रिजवी जो है आए दिन मजहब इस्लाम के बारे में, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में आए दिन जो है गुस्ताखी करता है, बेहरमती करता है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो एक राज्य के, एक शहर के, एक स्टेट के, एक कंट्री के पैगंबर नहीं है, वो पूरी दुनिया के हैं। तो ऐसा कोई भी विवादित बयान ना दिया जाए कि हमारे हिंदुस्तान की छवि जो है बाहर कंट्री में खराब जाए। दूसरा मसला ये कि इसके ऊपर 27 FIR 2021 तक स्टार्टिंग जनवरी में हुई, उसके बावजूद भी 3 FIR होने के बावजूद भी क्यों हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं करती? हमने उत्तर प्रदेश की पुलिस, लखनऊ पुलिस कमिश्नर को भी हमने लेटर दिया था कि इसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, क्यों? ये आदमी जो है मानसिक रूप से पागल है और ये अपने क्राइम को, अपने पाप को छुपाने के लिए ये धर्म बदल रहा है। ये कितना भी धर्म बदले, ये हिंदुस्तान से तालिबान चले जाए, हमको हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय पे भरोसा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट हमारे हक में फैसला करेगा और गुनाहगारों को गिरफ्तार करेगा। मेन मसला हमारा यही है कि हिंदुस्तान का परिवार, हिंदुस्तान का जो एक माहौल है, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन जो आपस में भाई भाई रहते हैं, ये जानबूझ के अपने पापों को छुपाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ हिंदू भाइयों को हमारे भड़का रहा है, और इसके भड़काने के वजह से हम हिंदुस्तान में भड़कने वाले नहीं है। आप महाराष्ट्र से ना? जी महाराष्ट्र मुंबई। आप महाराष्ट्र छोड़ के यूपी क्यों आए? क्योंकि सर वहाँ की सरकार नहीं है, क्योंकि ऐसा मसला है कि सारे फिरके, सारे संत साधे जो चीज़ है यहीं है उत्तर प्रदेश में, जैसा हमारे मुसलमान में शिया सुन्नी यूपी का है ना, यही से शुरुआत हुई, कॉज ऑफ सेक्शन उत्तर प्रदेश से ही हुआ जी। जैसा हिंदुस्तान में जो है सबसे बड़ा स्टेट जो है हमारा यूपी है, हमारे मुसलमानों के सारे फिरके जो है सुन्नी शिया बरेलीवी देवबंदी उनका जो बड़ा है मरकज वो यूपी में, और यूपी एक ऐसा स्टेट है ना, यूपी से जो बात निकलती है ना वो पूरे हिंदुस्तान में वजन रखती है, इसीलिए हिंदुस्तान में पूरे यूपी का माहौल खराब करने के लिए, अगर यूपी का माहौल खराब होगा तो पूरे हिंदुस्तान का माहौल खुद ब खुद खराब हो जाएगा। तो बॉम्बे में हाई कोर्ट में और जब बॉम्बे पुलिस में हम जब अपील करते हैं तो वहाँ से एक ही बात आती है कि आप यूपी जाओ, यूपी के मुसलमान सोए हुए, क्या
यूपी के मुसलमान पैसा नहीं ले रहे क्या? यूपी के मुसलमान काम नहीं कर रहे क्या? इसलिए वसीम रिजवी यहीं के रहने वाले हैं। और दूसरी बात जो है, वसीम रिजवी जो है खुद यूपी का है, इसीलिए हमने उसके शहर में आके, उसके इलाके में आके उसकी कोर्ट को हमने अपील किया है कि ये तुम्हारे राज का है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है कि तुम्हारे राज को, मुजरिम को तुम खुद गिरफ्तार करो। जो उन्होंने किताब लिखा है उसी का ही विरोध आप लोग कर रहे हैं कि जो उन्होंने किताब लिखा है हम उसका भी विरोध करते हैं। जो आए दिन सोशल मीडिया पे वो अल्लाह के बारे में, हुजूर के बारे में, कुरान के बारे में बोलता है हम उसका भी विरोध करते हैं। हम सब चीज़ का विरोध करते हैं कि जल्द से जल्द उसको बैन किया जाए, उसकी किताबों को बैन किया जाए और उसको सोशल मीडिया में एक्टिव ना होने दिया जाए, क्योंकि जल्द से जल्द अगर उसको बैन नहीं किया जाएगा तो हिंदुस्तान में बहुत बड़ी मुसीबत का जरिया वो बन जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से वो बात करता है ऐसी बातें हमारे हिंदुस्तान में कभी किसी ने नहीं की। ठीक है, शुभ नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र, ऑल इंडिया सेक्रेटरी। ठीक है।